99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है कॉरपोरेट सेंट्रल का। एचएएल को रक्षा मंत्रालय से मिला कितना बड़ा ऑर्डर, क्या पीसी ज्वेलर्स की लौटेगी चमक, यूपीआई के लिए किन बैंकों के साथ करार कर सकता है पेटीएम, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि आरआईएल अपनी सब्सिडियरी कंपनी वाईकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01% हिस्सेदारी 4,286 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इस सौदे के बाद आरआईएल की वाईकॉम 18 में हिस्सेदारी 57.48% से बढ़कर 70.49% हो जाएगी। खबर के चलते आज आरआईएल का शेयर हल्की बढ़त के साथ 2,870 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में नया प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ करार किया है। इस प्लांट पर कंपनी 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगले 5 साल में बनकर तैयार होने वाले इस प्लांट से कंपनी की व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना है। साथ ही CARE ने कंपनी की रेटिंग AA स्टेबल से बदलकर AA+ स्टेबल कर दी है। खबर के चलते आज टाटा मोटर्स का शेयर 0.5% गिरकर 968.40 रुपए पर बंद हुआ। बुधवार 13 मार्च को हुई ब्लॉक डील के जरिए दिग्गज FMCG कंपनी ITC में बैट ने 43.7 करोड़ शेयर या 3.5% हिस्सेदारी करीब 17,500 करोड़ रुपए में बेची है। इस ब्लॉक डील में कुल 60 निवेशकों की ओर से खरीदारी की गई है, जिसमें से GIC सिंगापुर और ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड की ओर से करीब 50% हिस्सेदारी खरीदा गया है। खबर के चलते आज ITC का शेयर करीब 1% गिरकर 419 रुपए पर बंद हुआ। कार्न यूके को डिविडेंड देने में देरी से जुड़े मामले में सेबी के ऑर्डर के खिलाफ कंपनी की अपील दाखिल करने की योजना है। कंपनी ने डिविडेंड को रोकने के इरादे से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि सेबी ने कंपनी को ब्याज समेत कार्न यूके को 77.6 करोड़ का डिविडेंड भुगतान करने का आदेश जारी किया था। खबर के चलते आज वेदांता का शेयर करीब 3.5% की बढ़त के साथ 260.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रक्षा मंत्रालय ने सरकारी डिफेंस कंपनी HAL के साथ 2 करार किए हैं। इन दोनों करार के तहत कंपनी को 34 हेलीकॉप्टर्स सप्लाई करने हैं, जिसकी वैल्यू 8,073 करोड़ रुपए है। खबर के चलते आज HAL का शेयर 4.25% की मजबूती के साथ 3,168 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। IRB इंफ्रा के शेयर में आज 10% के ऊपरी सर्किट पर 56 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। असल में इस कंपनी के बोर्ड ने अपने निजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में फेरोवियल की सब्सिडियरी सिंत्रा को 24% हिस्सा बिक्री की मंजूरी दे दी है। इस सौदे के बाद कंपनी अपने निजी इन्विट की स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट मैनेजर बनी रहेगी और कंपनी के पास इस इन्विट में करीब 51% हिस्सेदारी होगी। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 534 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए सेकी के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट यानी कि PPA किया है। कंपनी की कुल 21,778 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता है। खबर के चलते आज अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 10% से ज्यादा के उछाल के साथ 1,902 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। साइंट ने एयरबस के साथ केबिन और कार्गो इंजीनियरिंग सेवाएं देने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत कंपनी एयरबस के लिए इंटेलिजेंट कोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। इसके अलावा कंपनी एयरबस को टेक्निकल सपोर्ट भी देगी। नए समझौते के चलते आज साइंट के शेयर में करीब 2.25% की बढ़त के साथ 1,939 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। सेबी ने पीसी ज्वेलर्स के वन टाइम सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से ये कंपनी सेबी के साथ कोर्ट के बाहर समझौता करना चाह रही थी। इस कंपनी पर 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और फरवरी 2023 में कंपनी ने 3,466 करोड़ रुपए के कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया था। SBI से राहत मिलने के बाद आज पीसी ज्वेलर्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 61.35 रुपए पर बंद हुआ। UPI के लिए 4 निजी बैंकों के साथ करार कर सकता है पेटीएम। NPCI से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी कि TPAP लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम UPI के लिए SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक के साथ करार कर सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सिस्टम 15 मार्च के बाद भी चालू रहेगा। कस्टमर्स अपने खातों से पैसे की निकासी भी कर सकेंगे। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर हल्की गिरावट के साथ 350.65 रुपए पर बंद हुआ। अब बात IPO मार्केट की। आज गोपाल स्नैक्स के शेयरों की सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हुई, जो कि निराशाजनक रही।
401 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर एनएसई पर 351 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इश्यू प्राइस से 12.5% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, बावजूद इसके कि आईपीओ को कुल 9.5 गुना बोलियां मिली थी। हालांकि बाजार में रिकवरी के साथ शेयर में खरीदारी लौटी और कारोबार की समाप्ति 351 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 4.25% ऊपर यानी कि 365.90 रुपए पर हुई। आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुले 680 रुपए से 715 रुपए के प्राइस बैंड वाले क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की आईपीओ को 36% बोलियां मिली हैं। रिटेल और क्यूआईबी का हिस्सा करीब 33% और एनआईआई का कोटा पहले दिन 43% भरा है। वहीं पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज का आईपीओ आखिरी दिन जैसे तैसे पूरा भर पाया। रिटेल की 1.05 गुना और क्यूआईबी की 1.97 गुना बोलियों से इशू कुल 1.23 गुना भरा। वहीं एनआईआई का हिस्सा 1 गुना भी नहीं भरा। 280 से 295 रुपए के प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 601.55 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा रहूंगा आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा, धन्यवाद।